स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो हमारे जो फ्लावर होता है उसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यस मैम। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। नाउ यू मे लीव। अभी बेटा घर आओ। क्या हुआ आपको? मैं देख रही हूँ दिन से आप खांस रहे हो। मैं मेरी खांसी ना ये ठीक ही हो गई है, मैंने कफ सिरप भी ले लिया और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आप ना ऐसा करना, अपना कोविड टेस्ट करा लेना, क्योंकि आपके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी फैल सकता है ना अगर कोविड हुआ। छुट्टी पे रहो जब तक रिपोर्ट नहीं आती और नेगेटिव रिपोर्ट लेके स्कूल आ जाना। ठीक है। आद्विक बेटा। यस मैम। कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आपकी खांसी बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? पता नहीं पापा, खांसी बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है। रुक जा बेटे, तुझे ना कम बच पड़ोसियों की नजर लग गई होगी, तो मैं तेरी नजर उतारती हूँ। ठीक है अम्मा। अरे मेरी खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है। इसी चक्कर में पापा आपको कल ऑफिस बुलाया। अरे स्कूल क्यों बुलाया है? श्रीमती जी चिंता क्यों करती हो, इससे ज्यादा नजर लग गई है, तुम पापा के पास ही जाते हैं। ठीक है, वही लेके चलते हैं। चल बेटा उठ जा। मम्मी कहाँ जा रही हैं? बेटा तो देख, तेरी खांसी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और बाबा टूटू की शरण में जा रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आओ बैठो। टूटू बाबा की जय। अरे बेटा भूल ना। जय हो टूटू बाबा की। इसकी खांसी ठीक ही नहीं, मुझे लग रहा है इसको पड़ोसियों की नजर लग गई है, आप इसे कीजिए ना। बालक करीब आओ, झुको। हाथ आगे करो। ये तुम्हें मैंने हरी मिर्च पकड़ाई है, अगर ये काली हो गई तो तुम्हें काली नजर लगी है। हाथ आगे करो। देखा, मैंने कहा था ना, पर तुम्हें सुनता कहाँ है? ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डाय नमः। जाओ, तुम्हारी नजर उतर चुकी है। धन्यवाद, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। बाबा जी आपकी सेवा। कुछ भी दे दो पर 2000 से कम नहीं। ये लीजिए बाबा जी। खुश रहो। तो क्या छोड़ो, जाओ। नमस्कार मैम। नमस्कार, आइए बैठिए। मैम आपने हमें बुलाया था? हाँ जी, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि आद्विक को बहुत खांसी हो रही है, और आपने उसका कोविड टेस्ट भी कराया था पर वो नेगेटिव आया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है उसे, क्योंकि उसकी खांसी तो रुक नहीं रही काफी दिन से। ठीक है, और जैसे और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में आजकल टीबी कितना कॉमन हो गया है, या फिर कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है उसे, जैसे टीबी के लक्षण हैं 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहना, बलगम में खून आना, या फिर थकावट रहना, बुखार होना।
ठीक है, चेस्ट में पेन होना, तो ऐसे ये सारे टीबी के लक्षण हैं। या फिर कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है जो उसकी खांसी से रिलेटेड हो। तो मैं नहीं चाहती ये इन्फेक्शन आपके घर पे आदविक के दादा दादी को या आपको या स्कूल में बच्चों को या टीचर्स को फैले। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कदम उठाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आदविक को किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका अच्छे से चेकअप करवाएं। जी हम उन्हें कल ही हॉस्पिटल ले सकते हैं। जी हम चलते हैं डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, हम वैसे भी टूटू बाबा के पास जाकर आ तो गए हैं। वैसे भी टूटू बाबा कितने पहुंचे हुए बाबा हैं, डॉक्टर तो ही नजर उतारेगा तुम्हारी। वैसे भी मैं 2000 रुपए खर्च करके आई हूँ, अब मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास। ये दवाइयाँ 6 महीने का कोर्स है, ये ले लो। धन्यवाद।